स्टार्ट करने से पहले लेट मी शो यू, आपको आज कितनी सारी चीजें दिखाने वाली हूँ. लेट मी शो यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11. आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा. फाइनली मैं शॉर्ट्स वगैरह तो डालती रहती थी मीशो के लिए, बट मैंने एक लॉन्ग फॉर्मेट नहीं बनाया था अब तक. सो फाइनली इट्स हियर माय मीशो हॉल, एंड इट विल पोस्टेड टू पार्ट्स ऑफ मीशो हॉल, क्योंकि मीशो से मैं इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ गाइज. मैंने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया है. अगर मैं एक वीडियो उसमें डालूंगी तो इट माइट बी 30 to 40 मिनट्स ये जाएगी, और इससे लंबी भी जा सकती है. सो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ. सो इट्स अ फर्स्ट पार्ट जहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप्स, एंड इस हॉल वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप्स, ज्वेलरी एंड सम काइंड ऑफ वियर थिंग्स, एंड येस ट्राउजर्स, बिकॉज ट्राउजर्स आर लाइक मोर इन फन एंड मोर इन ट्रेंड. हॉल वीडियो को बड़ा ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू द दिस वीडियो. टन टन सिंग, लेट मी शो यू दिस टॉप, एंड दिस इज व्हाट आई एम वियरिंग. ये मैंने मीशो से लिया था, सबसे मेरी फर्स्ट परचेज यही थी जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी. लेट मी टेल यू, दिस इज व्हाट मीशो टॉप इज. दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ रेड टॉप विद कोका कोला प्रिंट, एंड ये ऐसे शॉर्ट टॉप है, आगे से बिल्कुल क्रॉप है एंड पीछे से लॉन्ग है. दिस इज वेरी अ बेसिक ओल्ड पैटर्न, जो बहुत टाइम से बहुत पुराना पैटर्न है. मैंने ऐसे टॉप्स बहुत वियर किए हैं अपने लाइक 11th 12th में. आई लव दिस टॉप, ये इतने कंफर्टेबल होते थे ना, सो आई थॉट क्यों ना दोबारा इसे वाइप किया जाए इन टॉप्स के साथ. नेवर ऑल. तो मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ कि मुझे इसका प्राइस क्या लगा है एंड इसका MRP क्या है. ओके, सो इसका MRP है 215 रुपीज, एंड मुझे ये प्राइस लगा था 200 रुपीज में. लाइक 200 रुपीज में मुझे इतना क्यूट टॉप मिला है, एंड इसकी क्वालिटी एग्जैक्ट वैसे है जैसे मुझे ये शो हुआ था स्क्रीन. चलते हैं नेक्स्ट टॉप. मैं आप ऑलरेडी देख चुके हो, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक ब्राउन कलर का टॉप वियर किया था, एंड आई लव दिस टॉप. मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पसंद है. सो लेट मी शो यू. सो बेसिकली इट्स अ रिब्ड कॉटन टॉप, एंड यहाँ पे मुझे ना ये प्रॉपर बॉडी सूट टाइप में है, लाइक एक बेसिक टॉप है. लेट मी शो यू, दिस इज काइंड ऑफ टॉप. ये ब्राउन टॉप है. आजकल मुझे ना ब्राउन टोन्स बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लाइक ब्राउन मेकअप, ब्राउन लिपस्टिक, ब्राउन टॉप्स, आई लव्ड इट. सो लेट मी शो यू. सो इट्स अ बेसिकली प्रॉपर टॉप, एंड ये बॉडी सूट है नीचे जाके. इसको ऑफ शोल्डर वियर किया था. आई लव दिस स्टफ. इसका स्टफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, एंड आई लाइक इट. इसका प्राइस है 249 रुपीज, एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये प्राइस लगा था 221 रुपीज. लाइक 221 रुपीज में मुझे इतना क्यूट टॉप मिला है विद बॉडी सूट. इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बॉडी सूट, नॉट प्रॉपर बॉडी सूट, क्योंकि बॉडी सूट्स ना बहुत टाइट होते हैं एंड दे आर लाइक वेरी शीन काइंड ऑफ, बट ये रिब्ड मटेरियल में है, एंड शूट पैंट्स के साथ भी मैं इनको वियर कर सकती हूँ. स्वाइप नेक्स्ट ज्वेलरी दिखा देती हूँ, बिकॉज ज्वेलरी में इतना कुछ खास है नहीं. ज्वेलरी फर्स्ट है ये इयररिंग्स, ये कोरियन इयररिंग्स हैं. मैंने इसकी शॉर्ट वीडियोज भी बना रखी है, और इन वाइज बहुत पसंद है, लाइक चेरी ब्लॉसम एंड दिस लाइक ऑफ ये कोरियन इयररिंग्स हैं. सो आई थॉट ये भी ट्राई कर लेते हैं. सो इट्स अ वेरी क्यूट इयररिंग्स, एंड इनका मटेरियल मुझे बहुत पसंद आया. इसका भी है 161 रुपीज, एंड आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये पड़ा था 137 रुपीज, एंड ये एग्जैक्ट वैसे ही है जैसे दिखाया था. छह रिंग्स, मैंने रिंग्स भी मंगवाई थी जो मैं ऑलरेडी वियर कर रही हूँ. लुक एट दिस डैम फ्रिकिंग, बहुत क्यूट लग रही है ये रिंग. मतलब मुझे कुछ इस टाइप की रिंग चाहिए थी, अगर ये वी शेप में होती ना तो आई लव्ड इट, बट आई रियली लाइक इट. इसके साथ मुझे एक्चुअली ये 4 या 5 रिंग्स हैं. मैं पहले अमेजोन से मंगवाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से भी ट्राई कर लिया जाए. सो इट्स अ ईविल आई रिंग, दिस इज़ लाइक अ 1 middle finger ring, दिस इज़ 2nd 1, दिस इज़ ऑल्सो लाइक मिडल फिंगर रिंग. लुक एट दिस, दिस इज़ वेरी क्यूट. एंड द थर्ड वन इज़ बेसिकली अ रिंग फिंगर, एंड ये बहुत क्यूट है यार. बहुत मेरी फिंगर्स अभी भर चुकी हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा वियर नहीं किया. बट एक ब्रेसलेट मुझे अभी फिलहाल मुझे मिला नहीं, बट मैं यहाँ लगा दूँ. शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, एंड वो दो ब्रेसलेट्स हैं वाइट और ब्लैक कलर के. आई रियली लव्ड इट. उसमें वाइट
एंड जो ब्रेसलेट्स थे मून एंड स्टार के हैं, व्हाइट वाला एंड व्हाइट एंड ब्लैक कलर के दो हैं ब्रेसलेट। प्राइस मुझे लगा है दोनों का 190 रुपीज। शो यू सम वियर थिंग्स और लाइक होम डेकोर और काइंड ऑफ किचन स्टफ और रूम स्टफ फॉर गर्ल्स एसेंशियल। मैं आपको तीनों चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन है ये पैकेट, इसमें जो मैं दिखा रही हूँ वो बहुत एसेंशियल है। इस पैकेट में मुझे रिसीव हुआ था, बेसिकली दिस इज किंग स्टॉन न्यूटन एडिवेसी सोसाइटी एंड पता नहीं इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। तो ये पैकेट आया है मेरे पास प्रॉपर, जिसमें कम से कम 15-20 लाइक क्लो क्लिप्स हैं। दिस इज़ नॉट लाइक फॉर हेयर, ये हेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बट दिस इज लाइक फॉर चिप्स और दाल एंड ना 20-30 का बड़े बड़े पैकेट्स खाए नहीं जाता चिप्स के, तो मैं उनको अगर छोड़ देती हूँ तो ऑब्वियस वो सील हो जाते हैं एंड वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बेस्ट क्लिप्स हैं मैंने ऑर्डर किए। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, लाइक छोटा भी है, इससे बड़ा साइज भी है एंड लार्ज साइज भी है। तो इसमें तीन डिफरेंट साइजेस हैं, लुक एट दिस। तो आई रियली लाइक इट एंड मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एक क्लिप को, एंड इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ये भी नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे या बहुत जल्दी टूट जाएंगे, इसकी क्वालिटी डैम गुड है। एंड मुझे इसमें 15-20 अच्छे अच्छे मिल गए हैं, तो मैं इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि इतने सारे मैं क्या ही करूँ। अब ऐसे मैसी वन है कि कोई चीज़ यूज़ करी प्रॉपर वो ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनको आप लाइक बांध के रखना नहीं होता, तो आप उनको ऐसे उनके पैकेट को यहाँ से क्लिप कर सकते हो प्रॉपर, ताकि वो सील्ड रहेगा एंड उसके बाद वो वेस्ट नहीं जाएंगे। कोई भी चीज़ हो आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर मी एंड आई थिंक सब कोई ये ना कहीं प्रॉब्लम फेस कोई ना कोई करता ही है। प्राइस है 119 रुपीज, बट मुझे ये 109 में रिसीव हुआ है। तो मैंने मेरे बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया है, परचेज किया है। सो बेसिकली ये ग्रीन लीव्स हैं जो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने अब तक सोचा नहीं है मैं कैसे इसको यूज़ करूँगी, या तो मैं ऐसे प्रॉपर लगाऊंगी जैसे मैं LED लाइट लगा रहती थी, या फिर मैं इसको एक जगह प्रॉपर टांग दूंगी। तो मैंने इसको अब तक खोल के भी नहीं देखा है। प्राइस है 208, बट मुझे ये 185 रुपीज में जो है ना वो बहुत एसेंशियल है गर्ल्स के लिए। मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली है, बट लेट मी शो यू। सो मैंने ये ऑर्डर किए हैं, दिस इज़ लाइक मैंने बर्थडे पे ना मैंने ये पीस किया था, ये इशू लाइक दिस टॉप, ये बहुत लूज है यहाँ से। तो इसके लिए ना बेस्ट एक हैक है, लेट मी टेल यू। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ टेप एंड आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट इसको रिमूव करो। जैसे ये बहुत लूज है, आपको ये समझ आ गया होगा राइट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे पेस्ट करो यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। एंड उसके बाद पीछे बाद ही बिल्कुल भी ऐसे लूज, वाव इसकी ग्लू मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही है, लाइक ये मुझे अच्छे तरीके से फील हो, लाइक एट दिस ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है। सो आई रियली लाइक इट। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे टॉप्स होंगे जिसका नेक एरिया काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाता है या वो ऑलरेडी लूज होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ वेरी गुड। इसमें आई थिंक 15-20 ऐसे स्टिक्स हैं जिनको आप यूज। दिस बॉडी टेप इज फॉर बूब टेप और बॉडी टेप, इट्स नॉट अ बूब टेप, इट्स अ बॉडी टेप एंड बूब टेप अलग होती है। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूंगी जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगी ये सब के बारे में। इसका प्राइस है 92 रुपीज़, मुझे ये 80 रुपीज़ में रिसीव हुआ है एंड इट्स डैम गुड। मैंने अमेजोन पे भी सर्च किया था, इट वॉज वेरी हाई इन प्राइस, लाइक 150 or 250 के अराउंड दीज टेप्स आर। मैंने सूट्स भी मंगवाए हैं मीशो से, मैंने ना मीशो की हर चीज़ अप्लाई कर लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, लाइक ऑलमोस्ट हर चीज़ मैं ट्राई कर चुकी हूँ, स्टेशनरी से लेके ऑब्जेक्ट्स से लेके कपड़े क्लोथ हील सब कुछ में ही सब कुछ इस हॉल वीडियो में दिखने वाला है। सो लेट मी शो यू फर्स्ट सूट। मैंने प्रॉपर एक सूट मंगवाया है जिसमें आपको एक कुर्ता मिल जाता है, नीचे उसका प्लाजो सेट एंड उसके साथ चुन्नी भी है। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि एग्जैक्ट ये कैसे है। सो बेसिकली ये ब्राउन है, एज आई टोल्ड यू मुझे आजकल ब्राउन कलर बहुत पसंद आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अ ब्राउन सूट। जब ये रिसीव हुआ था ना मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बट मैंने इसको वॉश किया है एंड वॉश करने के बाद इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी। इसमें ना बेसिकली ये नेक एरिया है, यहाँ पे एक लैश लगी हुई है एंड पूरे कुर्ते पे ना ये वाइट कलर का प्रिंट हो रखा है, बीच में एक डिज़ाइन बना हुआ है, पॉलका डॉट टेलिंग बहुत पसंद आई थी। एंड बीच में आपको ना नेक एरिया पर लुक एट दिस, यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा ऐसे सिप्पी वगैरह का डिज़ाइन। ओवरऑल सूट स्टिचिंग में भी 200-300 के अराउंड लग जाता है, सो ओवरऑल मुझे ये 662 रुपीज़ का मिला, जिसमें ये स्टिच्ड ओवरऑल सूट है जिसमें प्लाजो है एंड चुन्नी है। सो आई रियली लाइक इट। ये ऑर्डर सेम ऑर्डर किया है एंड आई लव्ड इट।
इसकी डिटेलिंग लाइक इट्स नॉट अ प्रॉपर पाकिस्तानी कुर्ता बट इसकी डिटेलिंग काफ़ी मैच करती है एंड मुझे बहुत पसंद आया। इट्स अ नॉर्मल वाइट कलर का कुर्ता एंड यस ये ट्रांसपेरेंट है, ये अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट है आप देख सकते हो। इसका प्राइस था 441 रुपीज एंड मुझे ये 440 के अराउंड ही मुझे ये मिला है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। एंड यहाँ पे देखो इसकी डिटेलिंग मैं बताऊँ ना बहुत बेस्ट लगी मुझे। यहाँ आपको ना बिल्कुल इसके स्टिच पे लास्ट पे ये ब्लैक कलर की ऐसे लैश लगी हुई है, बीच में ये फ्लावर्स टाइप बने हुए हैं ये हार्ट शेप में, और यहाँ इसकी नेक देखो, लुक एट दिस नेक, इसकी नेक मुझे बहुत प्रीटी लगी थी। एंड इवन इसकी स्लीव पे भी लैश हो रखी है, सो मुझे ये कुर्ता बहुत पसंद आया था, आई लव दिट। इट्स अ येलो कुर्ता, मेरी मम्मा के पास येलो कलर नहीं है एंड शी लाइक इट। इट्स अ वेरी मिनिमल बेसिक कुर्ता एंड इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल वाइट कलर की एक एम्ब्रॉयडरी काइंड ऑफ हो रखी है, यहाँ पर ये चार बटन्स हैं एंड या इट्स अ काइंड ऑफ टी शर्ट काइंड ऑफ कुर्ता आई लाइक। सो इसका प्राइस है 290 रुपीज बट मुझे आफ्टर डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ है 260 रुपीज विच इज़ गुड इनफ। इसका स्टफ मुझे ओके लगा, इतना कुछ खास नहीं लगा, इसको वॉश अब तक मैंने नहीं किया, वॉश करने की बात पता चलेगा। सो ग्रेसफुल, आई मीन आई लव इट, ठीक है। और इसकी क्वालिटी इज डैम गुड, ये प्रॉपर जूट बैग तो मैं नहीं बोलूंगी, सो ग्रेसफुल। लाइक इसमें दो पॉकेट्स हैं, लेट मी शो यू, द फर्स्ट वन इज दिस जिसमें मैंने बहुत सारी टॉफीज रखी हुई हैं एंड सम कॉफीज और लिपस्टिक भी। और नेक्स्ट इसमें पता है मैंने अब तक जितने भी टॉट बैग देखे हैं ना किसी में मैंने चेन नहीं देखी, बट मुझे ये इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें चेन है एंड इसके अंदर भी एक, लेट मी शो यू, इसके अंदर भी एक सीक्रेट पॉकेट है, एक या दो है, एक ही है। सो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं लाइक वॉलेट रख सकते हैं। सो इसकी क्वांटिटी एंड इसकी क्वालिटी इज़ डैम गुड, बहुत अच्छा है। एंड ये ब्रांड है टी सेंटा, ये ब्रांड आपको मिंत्रा पर भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, इनकी क्वालिटी डैम गुड होती है, आई रियली लाइक इट एंड दिस इज़ सो कूल, लाइक एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट कूल बैग, मुझे बहुत पसंद आया ये। इनका प्रिंट काफ़ी अच्छा है, ऐसा भी नहीं कि इनका प्रिंट खराब हो जाएगा, नहीं काफ़ी अच्छा इनका प्रिंट क्वालिटी है। सो इसका MRP है 401 एंड मुझे आफ्टर डिस्काउंट ही रिसीव हुआ 377 रुपीज, जस्ट फॉर 377। मैंने ना मिंत्रा पर ऐसे टॉट बैग्स बहुत अच्छे देखे हैं एंड दे आर वेरी इन हाई प्राइस, लाइक 500 से अबव ही होते हैं, लाइक अप टू 1000-1500 रुपीज, बट ये जस्ट आपको 377 रुपीज में मिलेगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे और भी प्रिंट्स थे, आई थिंक इसमें 6 या 7 प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे, मुझे सबसे अच्छा यही लगा था बिकॉज मैं इसको इससे अपने आप से रिलेट कर सकती थी, आई मेक माई ऑन रूल्स सो मैंने इसको अच्छे से रिलेट कर सकती थी, आपको इसमें और प्रिंट्स मिल जाएंगे। एंड जो नेक्स्ट वन है ये बैग है, यस ये बैग है, ठीक है। ये प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कहूंगी कि बहुत छोटा ठीक है क्योंकि इसका प्राइस है 204 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट एंड यहाँ पर आपको एक चेन मिल जाएगी जिसमें आप सब कुछ रख सकते हैं, यहाँ साइड्स में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर जैसे मैंने पिंस वगैरह टक कर रखे हैं एंड इसको ओपन करके अंदर आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, लाइक आप यहाँ पर अपनी चीज़ें लगा सकते हैं, अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं एंड इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, लाइक लेट मी शो यू अगर आपको दिख रहा है तो, लुक एट दिस, यहाँ 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, साइड में भी ऐसे कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप अपने ब्रश वगैरह रख सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा ये मल्टी फंक्शनल बैग है, ट्रैवल बैग और मेकअप बैग आप कुछ भी इसको कह सकते हो, सो आई रियली लाइक इट 204 रुपीज। बट नॉट द लिस्ट इज ऑफ दिस ब्लॉग और दिस हॉल वीडियो इज दैट दिस शू टॉपिया के शूज एंड इनकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग थी बिल्कुल तोड़ मोड़ के, बट इसके अंदर के शूज़ लाइक दीज हील्स आर माई लव, मुझे प्यार हो गया, प्यार हो गया, आई एम जस्ट किडिंग, दिस इज इन द साइज 37, बेसिकली मुझे साइज 36 आता है बट मुझे लगा कि काफ़ी छोटे होंगे सो मैंने एक नंबर बड़ा ही मंगाया था एंड प्रोबेबली दिस इज़ वेरी गुड, मुझे अच्छे से फिट हुए। मैं को ना मैंने ना दैट वर्क की मिस की एक वीडियो देखी थी जिसमें
उन्होंने अपने शूज का कलेक्शन दिखाया था, लग्जूरियस एंड देयर शूज वार्डरोब। तो उन्होंने बताया था कि आपके फिट के हिसाब से आपको किस टाइप के शूज वियर करने चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ उनकी वीडियो देख सकते हो। सो उनके अकॉर्डिंग मेरी पैर का जो लास्ट जो स्टार्टिंग है फिट है वो पंजा में बोलूँ तो बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो चौड़े पंजे के लिए ना बहुत चीज़ें अलग अलग टाइप की होती है, एंड मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों को भी देखा है जो उनके पैरों पे सूट नहीं करती, लाइक मी। मैं ना हील्स बिल्कुल भी वेयर नहीं करती थी पहले, क्योंकि मुझ पर हील्स अच्छी नहीं लगती थी। या तो मैं बिल्कुल ऐसे बॉ वाली हील्स लेती थी जो पॉइंटेड हील्स होती हैं, बट वो काफ़ी टाइम तक आप वेयर नहीं कर सकते। लाइक 2 से 3 घंटे में ही मेरे पैर दुखने लग जाते थे आगे से, क्योंकि वो ऐसे बिल्कुल नॉन ब्रिदेबल हो जाती थी। तो मैं हील्स वगैरह वेयर नहीं करती थी, बट आफ्टर वॉचिंग हर वीडियो मुझे रियलाइज हुआ कि हर पैर के हिसाब से अलग अलग आपकी हील्स टाइप होती है, आपको अपने पैर के हिसाब से लेनी चाहिए ताकि वो सूट भी करे एंड वो आपको कंफर्टेबल भी हो। सो आई रियली लाइक इट। मैंने इनको यूज़ नहीं किया अब तक, लेकिन मैंने इनको ऐसे नॉर्मली घर पे पहन के देखा था एंड दे आर वेरी गुड। मेरे इसमें मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा डिफाइनेबल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्वाइट इम्प्रेस्ड। एंड ये कलर मेरा ऑल ओवर फेवरेट है, यू गाइज नो दैट आई लव लेवेंडर। इसमें ना आगे से ऐसे क्यूसेट, इसको बोलते हैं क्यूसेट हील टाइप। इसमें ना आपको मतलब लुक एट दिस, यहाँ पर अच्छा काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है क्योंकि पंजा आपका चौड़ा है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है। एंड देन उसके बाद आपकी फिंगर को काफ़ी अच्छा लाइक ऐसे ब्लॉक कर देगा, उसके बाद काफ़ी अच्छा डिफाइन। यहाँ पे जिगजैग पैटर्न है जो कि काफ़ी अच्छा है, ताकि आपके पैर स्लिप वगैरह ना हो, आप अच्छे से इसको वियर कर सकते हो। तो आई वियर का कलेक्शन है, आप देख सकते हैं। लाइक हील्स का तो डैम फ्रिकिंग गुड, आपको इतना अच्छा कलेक्शन या तो बहुत हाई एंड प्राइस पे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन इज लाइक काफ़ी ट्रेंडिंग, आपको फुटवेयर वहाँ मिल जाएंगे। तो डिस्काउंट मुझे ये रिसीव हुआ है 544 रुपीज़, विच इज़ गुड। अगर मैं ऑफलाइन भी जाकर लेती हूँ, लाइक मैं मार्केट लोकल मार्केट से जाकर लेती हूँ, तो मुझे 600 के अंडर बहुत नॉर्मल बेसिक से हील्स वगैरह मिले। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, दिस इज माई मीशो हॉल Part 1। Part 2 बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड मैं आपको अब तक के जितने प्रोडक्ट्स दिखाए, आई लव्ड इट एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्राइस वाइज भी दे आर गुड, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोई चीज़ें लेने जाते हो ना, तो आपको नॉर्मल ट्राउज़र भी 1000 रुपीज़ से नीचे नहीं मिलता। नॉर्मल टॉप्स वगैरह भी आपको 300-500 के नीचे, 500 रुपीज़ लाइक एक पत्ती तो यार लोग लेते ही लेते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है ट्राउज़र्स को छोड़ के जो 500 रुपीज़ का हो, सब कुछ 500 से नीचे ही रहा है। ये सूट्स वाले सब कुछ 849 रुपीज़ के अंडर था एंड दे आर डैम फ्रिकिंग गुड। सो आई रियली लव मीशो। मीशो का Part 2 जल्दी आने वाला, वेट करो। एंड ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ।